श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से अपना प्रातःकालीन जीवन प्रारंभ कर रहा हूं। वेदव्यास ने अपने श्लोक में कहा है पुण्यार्थ देह भवताम नर रूप देहम सर्वोषधीताम श्री कृष्ण रूपम सौभाग्यमेव वदताम भवनित्य रूपम जड़ताम विनाश यदि पूर्व मदेव तुल्यम। मैं सोचता हूं इससे अंदर इससे अच्छा कोई श्लोक संसार में हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा गूढ़ विषय को लिए हुए कोई श्लोक नहीं हो सकता। और इससे कोई घटिया श्लोक इसलिए नहीं हो सकता कि आप इस श्लोक को समझे नहीं, अधे में नहीं उतारे, तो इससे कोई घटिया श्लोक भी नहीं हो सकता। ये आपकी घटियापन है, ये आपकी निम्नता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में निम्न है ही। ऊंचा तब उठता है जब उस श्लोक को अपने शरीर में रचा लेता है। जब बीए की पढ़ाई को आपने शरीर में रचा पचा लेते हैं तो बीए बन जाते हैं। जब एमए की पढ़ाई को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं तो एमए बन जाते हैं। आप एमए नहीं है, उसके ज्ञान को आपने अंदर में समाहित कर लिया, इसे आप एमए बन गए या बीए बन गए या इंटर बन गए या ग्रेजुएशन बन गए। इसलिए ये श्लोक सुनने के लिए नहीं है, ये श्लोक जीवन में उतारने के लिए है। और जो जीवन नहीं उतारते हैं वह वैसे ही हैं जैसे एक सामान्य प्राणी हो या सामान्य व्यक्तित्व हो या सामान्य पक्षी हो, कौवे तीतर बटेर कुत्ते स्वान गायें भैंसे ऊंट बकरी, क्योंकि वे इस प्रकार के ज्ञान को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेजुएट भी नहीं हो सकते, एमए भी नहीं हो सकते। और करोड़ों करोड़ों व्यक्ति अज्ञानी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट तो है पर ज्ञान चेतना नहीं है। और इस प्रकार के ऋषियों ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना ज्ञान दिया है, कितनी चेतना दी है, कितनी पूर्णता सफलता दी है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम संसार की उस पृथ्वी पर हैं जिसको भारतवर्ष कहा गया है, संसार के उस स्थान पर हैं जहां भारतवर्ष के रजकण में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और संसार के उस भूभाग में है जहां पर हिमालय है, गंगा है और मानसरोवर है, और इससे भी बढ़कर के हम उस स्थान पर हैं जहां हम हैं और हमारे सामने गुरु हैं। यदि हम नहीं समझते हैं तो यह सब बेकार है, तुच्छ है, नगण्य है। यदि समझते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ है ही नहीं। इसलिए वेदव्यास ने पहली पंक्ति में कहा कि यह श्लोक मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने शिष्यों को कहा और प्रातःकालीन ने कहा और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहा। यह श्लोक मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसका मनन करें, अध्ययन करें, पढ़ें। यह पढ़ने के लिए है ही नहीं। कपड़े पढ़ने के लिए नहीं होते, कपड़े पहनने के लिए होते हैं। और यह श्लोक सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। और बताया गया है कि श्री कृष्ण के 8 पर्यायवाची शब्द हैं, 8 अर्थ हैं, और यदि हम 8 अर्थों को अपने अंदर समाहित करते हैं तो हम सही अर्थों में मानव बन सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि श्री कृष्ण के कितने अर्थ हैं या श्री कृष्ण क्या हैं, हमने उनको एक मामूली सा व्यक्ति समझ बैठे हैं, हमने उनको एक माखन चोर समझ बैठे हैं, एक बालक समझ बैठे हैं, एक यशोदा के पुत्र समझ बैठे हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा तो ये समझ बैठे हैं कि कर्म भूमि में और महाभारत युद्ध में विजयी हुए, लड़ाई झगड़ा किया, युद्ध किया, और ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा ज्ञान हो तो गीता जैसे ग्रंथ का प्रवचन किया, गीता जैसे ग्रंथ को लिखा। मगर ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो एक नगण्य थी चीज। इतनी सी बात के लिए अगर बहुत महानता प्राप्त हो जाती तो फिर भीष्म भी इतने महान थे,
फिर तो अन्य भी कई योद्धा थे जिन्होंने श्री कृष्ण के समान युद्ध किया, अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, मगर वे इतने उच्च कोटि पे क्यों नहीं पहुंच पाए और कृष्ण इतने उच्च कोटि पे क्यों नहीं पहुंच पाए, यह भीष्म ने, यह वासुदेव ने, यह वेदव्यास ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण का मतलब है सौंदर्य, प्रत्येक व्यक्ति में सौंदर्य होता है मगर वह सौंदर्य का प्रस्फुटन नहीं कर सकता, और सौंदर्य होता है मन का, बाहरी वस्त्रों का नहीं। बाहरी वस्त्र आपके सफेद हैं, पीले हैं, लाल हैं, हरे हैं कि नहीं, इससे आदमी सौंदर्य युक्त नहीं बन सकता। सौंदर्य युक्त बनता है जब आपके मन में एक कमल खिलता है, हृदय में प्रस्फुटन होता है, एक हृदय से सुगंध का झोंका प्रवाहित होता है, एक ऐसा लगता है कि मैं गुरु के पास बैठा हूं, ऐसा लगता है कि यह गुरु नहीं है, एक सुगंध का, एक पवन का, एक वसंत का झोंका है, एक वायु वेग है जिसको मैं अपने प्राणों में, नथनों में भर लेना चाहता हूं, और भर करके अपने अंदर का सारा दुर्गंध, अपनी न्यूनता निकाल करके उसको इतना आनंद युक्त बना देना चाहता हूं जिससे कि मैं 24 घंटे तक खुमारी बना रह सकूं, पूरे साल भर खुमारी बना रह सकूं। श्री कृष्ण का पहला अर्थ यह है कि हम सौंदर्य युक्त बन सकें आज, अगर बनना चाहें और बनने की क्रिया हो, यदि आपके सामने गुरु हो और यदि बनाने की इच्छा वो रखता हो, यदि आप बनने की इच्छा रखते हो, फिर ऐसा दिन तो वापिस साल भर बाद आता है, आता है, उसमें आप होते हैं कि नहीं होते हैं, गुरु होता है कि नहीं होता है, यह विषय होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और श्री कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है पूर्ण संपन्न होना, पूर्णता प्राप्त करना, और पूर्णता प्राप्त बीए और एमए पास करने से नहीं होती, क्योंकि हमारे आज तक के किसी ऋषि मुनि ने बीए एमए पास नहीं किया, कभी ये सूर मीरा तुलसी ने भी नहीं किया, वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद ने भी नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया, राम ने भी नहीं किया, महावीर ने भी नहीं किया, बुद्ध ने भी नहीं किया, वे कागज के टुकड़े इकट्ठे नहीं कर पाए। इसलिए ज्ञान और प्रगल्भता, ज्ञान और चैतन्यता वहां प्राप्त हो सकती है जहां अथाह समुद्र है, अथाह सागर है, अथाह मानसरोवर है। ऐसा मानसरोवर है जहां प्रेम की झील है, और जिस प्रेम की झील में हम हंस बन करके उतर सके, हम हंस बन करके गतिशील हो सकें, हम हंस बन करके उसमें डुबकी लगा सकें, और हम हंस करके मानसरोवर की गहराई नाप सकें, और उसमें आपके साथ गुरु होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपको पता नहीं है कि आपको अपने डैने, अपने पंख कैसे फैलाने हैं, आपको यह भी मालूम नहीं है कि मानसरोवर क्या चीजें कहां है, आपको यह भी मालूम नहीं कि उसमें कैसे डुबकी लगाई जाती है, आपको यह भी मालूम नहीं कि उसमें से कैसे निकला जाता है, मगर यदि आप में ज्ञान है, ज्ञान की चेतना है, दीपक है, प्रज्वलन है, जलता हुआ दीपक है, तो आप गुरु को पहचान देंगे, क्योंकि कृष्ण को कृष्ण कहा ही नहीं कहीं पर, पूरे शास्त्रों में कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा गया, कृष्ण को गुरु ही कहा गया, कृष्ण मंदे जगत गुरुम, गुरुत्वम शिव देवाताम कृष्णम गुरुत्वम एवच, गुरुत्वम गुरुत्वम चैव कृष्णम केवल गुरुत्व, केवल गुरु संसार में हुआ है तो कृष्ण ही हुआ है, जिसने प्रत्येक विषय को पढ़ाया है, बताया है, पोथियों के माध्यम से नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। आलोचना उनकी भी हुई होंगी, गालियां उनको भी मिली होंगी, समाज वो का वो जैसा आज है उसमें समाज वही था, उसमें लड़ाई झगड़े होते थे, भाई भाई लड़ते थे, उसमें अर्जुन और दुर्योधन भाई थे आपस में और दोनों लड़ते थे, आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े होते थे, उसमें भी स्त्रियों का हरण होता था, उनके कपड़े उतर जाते, द्रौपदी को उतारे जाते थे, ये समाज उसमें वैसा ही था, उसमें कोई बहुत महानता नहीं थी, ये हमने एक सत्ययुग और त्रेतायुग द्वापर युग को नाम दे दिया, जो आज है उसमें वही था, पर उसमें भी कृष्ण अपने आप में अडिग भाव से खड़े रह सके, और अडिग भाव से खड़े रह करके उस श्री को, उस लक्ष्मी को अपने आप में पूर्ण रूप से उतार सके, फिर आप जीवन में कुछ कमी नहीं रह सकती। मैं जानता हूं कि मेरे कहने के बाद में आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि मेरा कहना आपके सामने वैसा ही है जैसे मैं जंगल में चीखूं चिल्लाऊं और उसको कोई सुने नहीं,
ऐसा ही आपके सामने मेरा चीखना चिल्लाना है। इस बात को मैं साल भर से अनुभव कर रहा हूं। कई बार सोचता हूं कि मैं ही शायद मूर्ख हूं कि मैं इनके सामने ऐसे विषय बोलता हूं। कभी मैं सोचता हूं कि कोई फायदा नहीं है, न इनका छल, न इनका झूठ, न इनका कपट, न इनका व्यभिचार, न असत्यता, न न्यूनता जाती ही नहीं है, क्योंकि इनमें खून वैसा ही है, इनको मैं प्योरिफिकेशन नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो जब खून पवित्र होगा ही नहीं, तो इनमें गुरु के प्रति ममत्व, प्रेम, सम्मान पैदा हो ही नहीं सकता। नहीं पैदा हो सकता तो आप मनुष्य बन ही नहीं सकते। श्री कृष्ण वंदन तो बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण से पहले एक शब्द और है, गुरु। जो आप गुरु में नहीं हो सकते, जो आपको यह ज्ञान नहीं गुरु को क्या जरूरत है, जब आप गुरु के लिए आंखों में आंसू नहीं बहा सकते, जब गुरु के लिए प्रेम में नहीं बन सकते, जब गुरु से एकाकार नहीं हो सकते, जब गुरु के सुगंध को अपने आप भर नहीं सकते, तो फिर आप शिष्य क्या है? आप नहीं है। आपके उच्छल है, एक पाखंड है, झूठ है, एक धोखा है। अपने आप में खुश है, हम शिष्य हैं, और मेरे में आप बेकार हैं, तुच्छ हैं, शिष्य नहीं है। वैसे ये सड़क चलते हुए लोग हैं। इसलिए जब आप श्री कृष्ण को समझें, तो उसके पहले शब्द लगाए हुआ श्री कृष्ण, श्री, और श्री का मतलब है पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया। प्रत्येक विषय में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया, शरीर, मन, प्राण, चेतना, ज्ञान, उपयोगिता, दिव्यता, तेजस्विता, उससे भी बढ़ करके अपने अंदर, अपने प्राणों में पूर्ण विराट काय गुरु को समाहित कर देने की क्रिया। श्री कृष्ण का तीसरा अर्थ वेद व्यास ने समझाया है कि श्री कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती है। यह अष्टगंध उन शरीर से प्रवाहित होती है जिनका शरीर बहुत अधिक पवित्र होता है। यह अष्टगंध उनके शरीर से प्रवाहित होती है जो अपने आप में दिव्य होते हैं। यह अष्टगंध उनसे शरीर के प्रवाहित होती है जो अपने आप में चैतन्य पुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं। मगर क्या हम में इतनी घ्राण शक्ति है कि हम उन अष्टगंध को एहसास कर सके? नहीं है। हम भेद भी नहीं कर सकते। हम तो एक वायु को दूसरे वायु में डिफरेंस कर ही नहीं सकते। इस कमरे की हवा में और सड़क की हवा में कितना डिफरेंस है, हम अनुभव नहीं कर सकते। उस बाहर इस बगीचे में पौधे झूम रहे हैं और मेरे कमरे में पौधे हैं, वो झूम नहीं रहे, तो उन दोनों का हवा में डिफरेंस क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब हवा में डिफरेंस नहीं समझ सकते, तो फिर हम गुरु को कहां से समझेंगे? और इसलिए जो उत्तम कोटि के गुरु होते हैं, वे उन कृत्रिम सुगंध को, जिसको आज की भाषा में परफ्यूम कहते हैं या जिसकी आज की भाषा में इत्र कहते हैं, वे शरीर पर लगा देते हैं, जिससे अष्टगंध छुप जाए और आप उनकी परफ्यूम को सूंघ करके प्रसन्न हो जाएं कि बहुत सुगंध आ रही है। एक परफ्यूम नकली, एक घटिया चीज, मगर उस अष्टगंध को रोकने के लिए कि कहीं ये माया से निकल के ब्रह्म में लीन नहीं हो जाए, ब्रह्म में नहीं बन जाए, अपने आप में प्राणों को जोड़ नहीं दे, इसलिए वो देख लेना चाहता है, ट्रस्ट कर लेना चाहता है कि क्या ये शिष्य है, क्या इसमें अभी न्यूनता समाप्त हुई, क्या इसमें पूर्णता आई, क्या इसकी आंखों में आंसू आए, क्या इसमें एकदम से न्यूनता समाप्त हुई। नहीं हो सकती, कम से कम आप में तो नहीं हो सकती। आधे घंटे बाद आप वैसे के वैसे हैं जैसे सांड आप आधे घंटे पहले थे। कुछ अंतर आ ही नहीं सकता आप में। मैंने बहुत प्रयत्न करके देख लिया है और मैं इस पॉइंट पर व्यथित हूं। आपकी इच्छा है तो आप रहे, नहीं रहे, आप जाएं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। आप में है ही नहीं, आंसू है ही नहीं, आप में समर्पित होने की क्रिया ही नहीं है। आप उस परफ्यूम के अंदर घुस करके उस अष्टगंध को प्रवाहित और अष्टगंध को सुगंध प्राप्त करने की चेतना है ही नहीं। और ये आपकी न्यूनता है, गुरु की न्यूनता नहीं है। प्रत्येक गुरु में ऐसा हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और वह गुरु है ही नहीं जिसमें ऐसा अष्टगंध प्रवाहित नहीं हो। गुरु वह होता है जिसके शरीर के रोम रोम से एक ज्ञान, एक चेतना, एक सुगंध प्रवाहित होती है, ऐसी सुगंध कि जहां बैठ करके तृप्ति सा अनुभव होता है, कि लगता है कि जैसे हम गंगा के किनारे बैठे हों, एक तृप्ति मिलती हो, एक पूर्णता मिलती हो, एक चेतना मिलती हो। और इसलिए श्री कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, राम, बुद्ध और महावीर के शरीर से नहीं। क्यों नहीं? कि वे अपने आप में प्रत्येक रंग में अपने आप में सजीव थे, प्रेम में, तो पूर्णता के साथ प्रेम किया, घबराहट के साथ प्रेम नहीं किया। सानिपन के आश्रम में पूर्णता के साथ गुरु में समर्पित हुए, लकड़ियां लाए, जंगल में रोटियां बनाई
और गायें चराई, मगर इस बात का एहसास नहीं है कि मैं राजा का बेटा हूं, उस देव का बेटा हूं, यह अहंकार उसने मन में नहीं लाया। और आपके पास अहंकार के अलावा कुछ है ही नहीं, झूठ छल के अलावा कुछ है ही नहीं, द्वेष दंभ के अलावा कुछ है ही नहीं, आप इनको नहीं हटा सकते, आप ऐसे ही हैं, इस बात की आपको विशेषता है, इस बात का मुझे दुख है। और हम झूठ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं, हम छल कर रहे हैं अपने आप को और श्री कृष्ण को, हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी क्या मनाएंगे, वो क्या पैदा होंगे, वो क्या रोज पैदा होते हैं। यह तो एक दिन है जिसको हम एहसास करते हैं, यह तो सूर्य है कि हम एहसास करते हैं कि आज सूर्य उदय हुआ और रोशनी बिखेरी, क्या रोशनी को पकड़ा आपने, उगते हुए सूर्य को आपने देखा कितना लाल सुर्ख होता है, क्या आपने उस आनंद को अनुभव किया, कभी आपने चिड़ियों की चहचहाना सुना, नहीं सुन पाए, इसलिए कि चिड़ियों की चहचहाट से आपका आलस्य और नींद आपके लिए ज्यादा उचित अनुकूल है, उस दुर्गंध युक्त गुदड़ में सोने आपके लिए बड़ा सुखदायक है। आप क्या प्रगल्भ पुरुष बनेंगे, आप क्या चेतना पुरुष बन सकेंगे, शायद आप नहीं बन सकेंगे। और वेदव्यास ने उस कृष्ण का पांचवां अर्थ बताया कि श्री कृष्ण का मतलब है पूर्ण गुरुत्वमय बनना, गुरु बनना नहीं, गुरुत्वमय बनना, इनमें डिफरेंस रहा है। शिष्य गुरु नहीं बन सकता, गुरु बनने में आनंद है ही नहीं, गुरु को देता ही देता है, शिष्य प्राप्त ही प्राप्त करता रहता है, इसलिए उस प्राप्त करने की क्रिया निरंतर प्राप्त करें, और निरंतर प्राप्त हो पाती जब निरंतर गुरु के साथ रहें। हम चार महीनों में एक बार गुरु के पास आए तो कितना समय व्यतीत कर पाएंगे, और यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु के समीप 24 घंटे हैं, हमें एहसास है कि यहां से चार कदम पर गुरु बैठे हैं, ऊपर पांच कदम पर बैठे हैं, 10 सीढ़ियों पर ऊपर बैठे हैं, इसे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। गुरु का शब्द नीचे आने का हो और उसका कमरा बिल्कुल साफ हो जैसा गुरु चाहते हो, वो नीचे आए और आप साधन मुद्रा में खड़े हो जाएं कि उनके दर्शन हो रहे हैं, गुरु आए और आपकी उंगली अपने आप चलने लग जाए कि मैं क्रियमाण हूं, दिखावा नहीं हो, और आप दिखावे के अलावा कुछ नहीं करते, आप केवल एक उनको एहसास दिलाते हैं कि मैं वर्कर हूं, मैं काम करता हूं, आप कुछ काम नहीं करते, केवल 24 घंटों में एक घंटे का काम करते हैं और 23 घंटे आप बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि 24 घंटों काम एक घंटे में ही करते हैं आप। यदि आप उसको पूंजीभूत देखें तो केवल एक घंटे का काम है आपके पास, 23 घंटे आपके बेकार हैं, आप अपने आप को छल करते हैं, आप गुरु को धोखा देते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं, 360 सेकंड होते हैं। और सातवां श्री कृष्ण का अर्थ बनाया, वेद व्यास ने बताया कि वह प्रेममय होता है, जिसके पास और कुछ हो या नहीं हो केवल प्रेम की नदी बहती ही रहती है, वह निरंतर प्रेम में मग्न रहता है, निरंतर प्रेममय, वह प्रेममय है नहीं, प्रेम प्रभावित करता रहता है, गंगा नहीं है, गंगा निरंतर बहती रहती है, गंगा एक जगह खड़ी रहेगी तो पोखर कहलाएगी, तालाब कहलाएगी, बहती रहती है इसलिए गंगा कहलाएगी, वह ठेर गंगोत्र से उतर के समुद्र तक मिलती है इसलिए गंगा है, इसलिए कृष्ण है कि निरंतर वह प्रवाहित है, वह प्रेम निरंतर बह रहा है। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम प्रेम में अवगाह नहीं कर पाते, हम प्रेम कर ही नहीं सकते, हमें प्रेम करना आता ही नहीं, हम उनको भुजाओं में भर नहीं सकते, हम उनके चरणों में लोट नहीं हो सकते, हम उनके चरणों में नतमस्तक नहीं हो सकते, हम झिझक आती है, संकोच आता है, हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, बाकी से क्या सोचेंगे, और डर करके आप जो जीवन जीते हैं वह वैसा ही जीवन है गधे कुत्ते पुरुष और गए बीते लोगों का होता है, क्योंकि आप में एकदम ताकत क्षमता नहीं है, आप सोचते लोग क्या कहेंगे, जब आपका सिर स्वयं इस बात का मजबूर हो जाए कि मुझे चरणों में समर्पित हो जाना है, जब आपकी चेतना इस बात को एहसास कर ले कि मुझे उनके लिए अपने आप को न्योछावर कर देना है, कर देना है तो सब कुछ प्राप्त कर लेना है, और ये न्योछावर प्राप्त करना और प्राप्त करने की क्रिया और लेना केवल प्रेम के माध्यम से हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, बहुत ही पदार्थ से रास्ता नहीं है, आप मिले दो रोटी दे दें उससे कुछ लेना देना नहीं होता, आप मुझे पानी गिलास दे दें या जलेबी दे दें या मिठाई दे दें उससे कोई लेना देना नहीं, भौतिक चीज है, और प्रेम आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं, यदि आप मन को टटोले तो प्रेम जैसी चीज नहीं है, झूठ छल कपट है, विचार असत्य है, द्वेष और
न्यूनता तो है, एक दूसरे को जलीकट्टी सुनाने की प्रवृत्ति तो है, और घटिया पुरुष तो आप हैं। तो घटिया पुरुष वो होते हैं जिनमें छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार, न्यूनता और ओछापन होता है, और आप में ये सब कुछ भरा हुआ है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में है ये, और इसलिए मैं आपको धिक्कारता हूं कि आप में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। प्रेम रुकता नहीं है, प्रेम मुड़स करके उमुक करके लिप्त हो जाता है, अपने आप लीन हो जाता है, उनके चरणों में लौट जाता है, उस एकाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अपने आप अष्टगंध प्रवाहित होने लग जाती है, अष्टगंध के अंतों में भर जाता है, पूर्ण शरीर में प्रेम और आनंद की वृष्टि होने लग जाती है, वह प्रेम में होने लग जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर एक रौनक आ जाती है, पूरे सारे शरीर में एक वृष्टि होने लग जाती है, एक सुंदर सा आकृति बन जाती है। इसलिए आप प्रेम में नहीं बन सकते, क्योंकि भरे हुए घड़े में कुछ भी नहीं भरा जा सकता, खाली घड़े में भरा जा सकता है, और आपके घड़े में झूठ और छलकपट बहुत भरा हुआ है, पूर्ण लबालब भरा हुआ है। ये मैंने पूरे साल दो साल से देखा है और देखता जा रहा हूं, कहा भी, मगर आपने जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते से एक लीक भी हटते नहीं है, उस रास्ते को आपके पास बना रहे मैं यही कह सकता हूं, इसके अलावा कुछ कहना उचित नहीं है। आप खाली नहीं बनते, आप आलस्य से छोड़ते नहीं, आप झूठते नहीं छोड़ते, आप छल नहीं छोड़ते, आप पाखंड नहीं छोड़ते, आप एकाकार नहीं होते, आप उसमें लीन नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्यों, भरे हुए घड़े भरे हुए दीपक में और क्या भरा जा सकता है, ज्यादा भरेंगे दीपक बुझ जाएगा। और श्री कृष्ण का आठवां अर्थ है प्रत्येक क्षण, उस दिन को प्रत्येक क्षण आनंद युक्त बनाना, प्रत्येक क्षण को, और क्षण कहते हैं सेकंड के हजारवें हिस्से को, सेकंड के हजारवें हिस्से को क्षण कहते हैं, हर क्षण मस्ती में, आनंद में, तृप्ति में, एक खुमारी में। यदि आपका सुंदरता है तो आप सुंदरी वर्णन करिए, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान को बिखेरिए, यदि आपके पास काम है तो आप काम को बिखेरिए, आपके पास जो कुछ चीज है उसको प्रदर्शन कीजिए और प्रदर्शन करें। अगर मेरे पास ज्ञान है तो उसमें उठूं और आपको ज्ञान दूं, अगर मुझे वेदव्यास की श्लोक याद है तो मैं वेदव्यास के श्लोक आपके सामने रखूं, जो मेरे पास है वह मैं आपको दूं, और मैं निरंतर प्रेम प्रभावित करना चाहता हूं, देता हूं, और आप उसके सामने दीवार खड़ी कर देते हैं, नहीं लेते, और प्रेम लौट के मेरे पास वापस आ जाता है, क्योंकि आपकी आंखें कामातुर है, अंधी हैं, कमजोर हैं, कायर हैं और बुजदिल हैं, आपकी आंखों में वासना के अलावा कुछ है ही नहीं, और वासना के अलावा कुछ देख ही नहीं सकती, देखेंगे तो वासना युक्त ही देखेंगे, इससे घटिया कोई आंख संसार में नहीं होती। आप किसी स्त्री को बहन के रूप में देख ही नहीं सकते, मां के रूप में देख ही नहीं सकते, मां भी बहुत सुंदर होती है, बहन भी बहुत सुंदर होती है, पत्नी भी बहुत सुंदर होती है, प्रेमिका भी बहुत सुंदर होती है, शरीर भी बहुत सुंदर होता है, और सारा संसार बहुत सुंदर होता है, सुबह का सूर्योदय बहुत सुंदर होता है, चिड़ियों का चहचहाना बहुत सुंदर होता है, और झूमता हुआ पेड़ और वृक्ष और फूल भी बहुत सुंदर होता है। क्या आपने सुंदरता को भी वर्णन किया, देखा, एहसास किया, अपने में उतारा? नहीं उतार सके, नहीं इसलिए उतार सके कि आप कृष्ण को नहीं समझ सके, इसलिए नहीं समझ सके आप गुरु को नहीं समझ सके, इसलिए नहीं समझ सके कि आप उसके प्रेम को नहीं समझ सके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।